इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह लैपटॉप या कंप्यूटर में स्प्लिट स्क्रीन किस तरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं आपको दो पार्ट में स्प्लिट करके दिखाऊंगा स्क्रीन को, और उसके बाद चार पार्ट में स्प्लिट करके दिखाऊंगा स्क्रीन को। मैं अभी आपको दो पार्ट में स्प्लिट करके दिखाता हूँ स्क्रीन को। तो मुझे एक पार्ट में दिस पीसी रखना है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको जो है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें इसे छोटा करना है पहले। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इसे पकड़ के राइट साइड में लेकर चले जाना है। इस तरह एक पार्ट में ये आ गया है। उसी तरह मैं यहाँ से जो है कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो आपको माउस से इसे पकड़कर एक साइड में लेकर चले जाना है। तो मैं इसे लेफ्ट साइड में लेकर चले जाता हूँ। इस तरह आप दो पार्ट में स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं लैपटॉप में। और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको चार पार्ट में स्प्लिट स्क्रीन करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से पहले नोटपैड को ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको इसे माउस से पकड़ के लैपटॉप के एक कॉर्नर में लेके चले जाना है। और उसके बाद मैं कैलेंडर को ओपन करता हूँ और मैं इसे माउस से पकड़ के लैपटॉप के एक कॉर्नर में लेकर चले जाता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से दिस पीसी को ओपन करता हूँ और इसे माउस से पकड़ के लैपटॉप के एक कॉर्नर में लेके जाता हूँ, सबसे नीचे ले जाकर छोड़ देता हूँ इस तरह। तो अब मैं यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ और इसे माउस से पकड़ के लैपटॉप के एक कॉर्नर में सबसे नीचे ले जाकर छोड़ देता हूँ। इस तरह आप स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं लैपटॉप में। जिस ऐप को आपको यूज़ करना है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा पहले। जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड पर क्लिक करता हूँ और अब मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये इंटर हो रहा है। अब मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो मैं पहले कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा और अब मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा। और अब मैं एक एक करके इन्हें क्लोज कर देता हूँ।